all the students who are from CCM side, right, they have done all the basics in their physics, right, उन लोगों ने फिजिक्स में इसको कर रखा है, ठीक है। इनफैक्ट अगर मैं आईएससी स्टूडेंट्स की बात करूं तो ये आपके पास चॉइस में होता है, राइट, वेक्टर्स आपके पास चॉइस में होता है, बट इट इज स्ट्रांगली सजेस्टेड कि जो पीसीएम साइड के स्टूडेंट हैं उनको चॉइस बी, सेक्शन बी में आपको मिलता है, राइट। आपको पता होगा आईएससी वाले बच्चों को कि सेक्शन ए आपके लिए कंपल्सरी होता है और बी और सी में आपके पास चॉइस होती है, तो बी में आपको वेक्टर्स मिलते हैं। तो मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि जो भी हमारे पास आईएससी में साइंस साइड के बच्चे हैं उनको सेक्शन बी प्रेफर करना चाहिए और जो कॉमर्स साइड के हैं उनको सेक्शन सी प्रेफर करना चाहिए। बेचारे जो सीबीएसई वाले हमारे बच्चे हैं, मेरी तरीके से सीबीएसई वाले बच्चे जो हैं उनके पास कोई ऐसी चॉइस नहीं है, यू हैव टू डू एवरीथिंग, राइट, जो भी क्वेश्चन है सारे सेक्शन तुम्हें करने हैं। पहले ये चॉइस सीबीएसई में भी हुआ करती थी बट अब नहीं है, ओके। तो तुम लोगों ने थोड़ा बहुत फिजिक्स में इसको पढ़ रखा है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, राइट, जो कॉमर्स के बच्चे हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो अभी बहुत आसानी से इसको समझ लेंगे, तुमने छोटे क्लास में तो पढ़ ही रखा है, ठीक है। तो देखो फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं तुम्हारे पास दो तरह की होती हैं, एक होती है स्केलर एक होती है वेक्टर। स्केलर वो होती हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर वो होती हैं जिसमें तुम्हारे पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, राइट, इसमें डायरेक्शन भी होता है। अगर आपके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों है, राइट, और वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, ध्यान रखना, राइट, क्योंकि अभी आपके माइंड में ये आएगा सर ये चीज़ दूसरे तो डायरेक्शन है ये वेक्टर क्यों नहीं है, तो ध्यान रखना वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड वेक्टर तो होना ही चाहिए, साथ साथ दैट शुड फॉलो द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, दैट शुड ऑलवेज फॉलो द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या होता है, इन सब की बात हम लोग अभी अभी करने वाले हैं। कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत बेसिक एग्जाम्पल, जैसे एसआई यूनिट में जो बेसिक चीजें हैं, लेट अस टॉक अबाउट मास, लेट अस टॉक अबाउट लेंथ, लेट अस टॉक अबाउट टेम्परेचर, राइट, और कौन से होते हैं भाई, और कुछ ऐसा ले लो, वेट ले लो, राइट, डब्ल्यू ई आई जी एच टी वेट, यू कैन टॉक ऑफ वेलोसिटी, राइट, यू कैन टॉक ऑफ वेलोसिटी, यू कैन टॉक ऑफ एक्सेलरेशन, राइट, एक्सेलरेशन, you can also talk of light, ठीक है, कोई भी physical quantity आप consider कर सकते हैं, कोई problem नहीं है, ठीक है। Now अब मैं ये बात करना चाहता हूँ, इनको categorize करना चाहता हूँ कि ये कौन सी चीज़ जो है मेरे पास scalar है, कौन सी vector है। तो मुझे उम्मीद है आपको पता है mass क्या होता है, mass is scalar, ठीक है, length क्या होती है, length is scalar, टेम्परेचर क्या है, ऑल्दो आप बोल सकते हो सर टेम्परेचर में तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, हाँ बिल्कुल होता है, बट दैट डज नॉट फॉलो द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसीलिए वो चीज़ जो है आपके पास वेक्टर नहीं होती है। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर, राइट, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, आपने ये सब चीज़ें पढ़ रखी है, राइट, जब इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव है, डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव है, और ये इट ऑल्सो फॉलोज द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इट इज दैट इज वाई इट इज कैटेगराइज इन टू वॉट, दैट इज कैटेगराइज इन टू वेक्टर। वेट की अगर बात करेंगे तो वेट भी आपका क्या होता है, वेक्टर होता है, राइट, वेट आपको पता होना चाहिए, वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है, वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। वेलोसिटी दैट इज अगेन अ वेक्टर, राइट, वेलोसिटी इज अगेन अ वेक्टर। लाइट की अगर बात करें तो लाइट इज अ स्केलर, ठीक है, हालांकि आप बोलेंगे से डायरेक्शन, लेकिन हाँ उसमें अगेन दैट डज नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो इसलिए लाइट भी स्केलर क्वांटिटी में ही आता है, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, राइट, ये सब बातें तुमने बचपन में 10th क्लास से पहले पढ़ रखी हैं, है ना, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, जैसे सपोज करो मैं इस पॉइंट से ओ से ए पे गया, राइट, और ए से बी पे गया, तो मेरे पास डिस्टेंस कितना है बच्चों, द डिस्टेंस इज ओ ए प्लस ए बी, ठीक है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ ये देखता है कि आप कहाँ से कहाँ गए, किधर से गए, दैट डज नॉट मैटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज ओबी, ठीक है। इस तरीके से हमें ये समझ में आना चाहिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या है, डिस्टेंस में सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं और डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट के बीच का है। जैसे सपोज करो अगर मैं किसी भी जगह पे ऐसे कुछ जा रहा हूँ, राइट, मैं ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, राइट, और सी से फिर ए पे आया, तो अगर मैं डिस्टेंस देखूँ तो डिस्टेंस तो इट इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, बट डिस्प्लेसमेंट इज वॉट, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, राइट, डिस्प्लेसमेंट इस केस में कितना हो जाएगा, जीरो,
तो आपको पता है कि ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये क्या है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्टेंस क्या है, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो अभी सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग दो कैटेगरी में डालते हैं, ये आपने इस बात को अभी समझा है, पीसीएम वाले बच्चे फिजिक्स वेक वाले चीज में भी समझ रखे थे, तो ये मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आओ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इसमें जो वेक्टर्स हैं राइट, क्योंकि हमारा सारा फोकस आज वेक्टर्स पे होने जा रहा है, तो वेक्टर्स में हमारे पास क्या क्या चीजें सीखने को हैं, अब हमारा फोकस किस पे होगा राइट। सारा जो सारा फोकस है किस पे होने जा रहा है, अब वेक्टर्स पे होने जा रहा है। तो वेक्टर्स में वेक्टर्स की एक लेंथ होती है, एक सपोर्ट होता है, एक सेंस होता है, और कभी भी अगर दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं या दो से अधिक वेक्टर्स इक्वल होते हैं तो उसकी क्या कंडीशन होती है, इस बात को समझेंगे। देखो वेक्टर्स हमेशा तुमने अगर देखा है तो एक रे की तरीके से होता है, तो रिप्रेजेंट कुछ ऐसे करते हैं राइट। ये जहाँ से वो इनिशिएट हो रहा है राइट, दिस इज द पॉइंट ऑफ इनिशिएशन है ना, दिस इज द पॉइंट ऑफ इनिशिएशन, जहाँ से भी हमारे पास वेक्टर इनिशिएट हुआ है राइट, द पॉइंट ऑफ इनिशिएशन, और ये जहाँ तक वो जा रहा है। जैसे सपोज करो लेट से दिस पॉइंट इज ओ एंड दिस पॉइंट इज ए, तो इस वेक्टर का नाम क्या बोलते हैं हम लोग, इस वेक्टर का नाम हम लोग बोलते हैं ओ ए राइट। जहाँ से स्टार्ट होता है वो पहले और जहाँ पे एंड होता है वो बाद में, और ऊपर एक ऐसे एरो लगा देते हैं ठीक है। तो इट इज़ अ डायरेक्टेड लाइन। अब इसकी एक लेंथ है राइट, इसकी एक लेंथ है, ये जो लेंथ है ना इसी को हम लोग मैग्नीट्यूड भी कहते हैं बच्चों, दिस इज ओनली कॉल्ड मैग्नीट्यूड ठीक है, लेंथ ऑफ द वेक्टर, और यू कैन से द मैग्नीट्यूड। आपको पता है वेक्टर में दो चीजें होती है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, तो जो उसकी लेंथ होती है उसी को हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं ठीक है। सपोर्ट क्या होती है, सपोर्ट वो पूरी लाइन होती है राइट, ये पूरी लाइन इसकी सपोर्ट है राइट, ये पूरी लाइन उसकी सपोर्ट है, जिसका एक पार्ट हमारे पास क्या होता है, वो वाला वेक्टर होता है ठीक है, उसका एक पार्ट जो है वो हमारा वेक्टर होता है। सेंस क्या होता है, सेंस हमें डायरेक्शन बताता है ठीक है, सेंस हमें डायरेक्शन बताता है, जो हमारे पास कंप्लीट डायरेक्शन ठीक है। तो ये कंप्लीट डायरेक्शन ये हमें सेंस दे रहा है। जैसे सपोज करो ये एक वेक्टर है राइट, अगर मैं इसका अपोजिट वेक्टर ड्रॉ करूंगा तो ये कैसा होगा, पैरेलल तो होगा बट एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा राइट, दैट विल बी इन दी अपोजिट डायरेक्शन, तो इसका सेंस अपोजिट हो गया राइट, इट हैज अपोजिट सेंस ठीक है। इसको हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, लाइक और अनलाइक वेक्टर्स में भी हम लोग इसको पढ़ेंगे ठीक है, विल टॉक अबाउट लाइक एंड अनलाइक वेक्टर राइट। तो लाइक वेक्टर्स वो होते हैं जिनका सेंस सेम होता है, या फिर कहते हैं कि वो पैरेलल होते हैं राइट, उनकी डायरेक्शन सेम होती है ठीक है, अगर डायरेक्शन सेम है तो उनको लाइक कहते हैं, और अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो उनको क्या बोलते हैं, अनलाइक वेक्टर्स कहते हैं ठीक है। ये कुछ बेसिक बेसिक बातें हैं जो कि टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको हम सीख रहे हैं, और इसके बेसिस पे हमें आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपार्ट फ्रॉम वेक्टर्स जो 3D करना है वो सब इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं, तो हर चीज़ को समझना जरूरी है ठीक है बच्चों। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट इज रिटन हेयर ऑन द स्क्रीन इज इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। तो सपोज करो मेरे पास वेक्टर्स को कभी जब अगर तुम पॉइंट्स में रिप्रेजेंट करते हो ना, जैसे मैंने ओ ए लिया था तो मैंने ये कैपिटल ओ और कैपिटल ए लिया था राइट। लेट से तुम्हारे पास ये कोई वेक्टर है, लेट से दिस इज ए बी ठीक है, तो इसको मैं बोलूंगा वेक्टर ए बी ठीक है। अगर मेरे पास कोई दूसरा वेक्टर है राइट, लेट से दिस इज पी ए, तो व्हेनेवर आई से दैट वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर पी क्यू, दैट सिंपली मींस दैट देयर डायरेक्शन इज सेम, बाय डायरेक्शन इज सेम आई आई कैन से दैट यस दे आर पैरेलल राइट। अगर ये कोइंसाइड कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अदरवाइज पैरेलल होना कंपलसरी है, ध्यान रखना ठीक है। तो इनका डायरेक्शन सेम होना चाहिए पहली चीज राइट। अगर तुम 2D के रेफरेंस में समझना चाहो तो कैसे समझोगे कि भाई उसका जो एक्स एक्सिस के साथ या किसी भी एंगल के साथ किसी भी एक्सिस से उसका एंगल सेम होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएगा, ये बात तो आपने 2D में पढ़ रखी है ठीक है। तो ये पैरेलल होने चाहिए तो उसका क्या हो जाएगा, उसका सेंस सेम हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हो कि वो एग्जैक्टली पैरेलल हो जाएंगे तो भी उसकी इक्वालिटी का एक पैरामीटर पूरा हो जाएगा। और दूसरा पैरामीटर क्या है कि उसका जो मॉडुलस है यानी जो उसकी लेंथ है वो भी इक्वल होनी चाहिए। मॉडुलस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा दो स्ट्रेट स्ट्रेट लाइंस के बीच में रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है। जो मॉडुलस फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन था वही एग्जैक्टली यहाँ पे भी है, और इसका मतलब क्या होगा, दैट इज द लेंथ ऑफ ए बी राइट, द मॉडुलस शोज व्हाट, ओनली द मैग्नीट्यूड एंड सर्टेनली दैट हैज टू बी ऑलवेज पॉजिटिव ठीक है। तो अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं ए बी और पी क्यू,
और वो दे रखा है कि वो इक्वल हैं या फिर इक्वल होने की कंडीशन पूछी गई है, तो सिर्फ दो ही चीज़ें हैं। नंबर वन, उनका डायरेक्शन सेम होना चाहिए, राइट, यानी कि वो एग्जैक्टली जो है वो सेम डायरेक्शन में होंगे, चाहे वो कोइंसाइड करें या फिर पैरेलल, नंबर वन। नंबर टू, उनका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स। कई बार ऐसा भी होता है जैसे हम लोग वेक्टर्स को स्मॉल में भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए बी, वी कैन टेक इट एज स्मॉल ए और स्मॉल बी, डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशन और दी रिप्रेजेंटेशन, हम इस तरीके से ले सकते हैं। तो या तो कैपिटल पॉइंट्स में लिखेंगे तो कैपिटल में लिखेंगे, और अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो स्मॉल लेटर्स में लेंगे। मतलब ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशंस हैं जो आपको, आपसे एक्सपेक्ट की जाती है कि आपको आती हैं, ठीक है। पी क्यू है, लेट्स से इसको मैं जो है स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, स्मॉल क्यू। तो अगर एक सिंगल वेक्टर आपको एक सिंगल अल्फाबेट में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, तो ध्यान रखना ये लेंथ और मैग्नीट्यूड दोनों चीज़ें बता रहा है, राइट, लेकिन ये हमेशा स्मॉल अल्फाबेट में ही होता है, ठीक है। और अगर आप पॉइंट्स के रेफरेंस में कर रहे हैं, देन सर्टेनली दे वुड बी इन द कैपिटल लेटर। ओके, आई होप यू आर डूइंग इट प्रॉपरली एंड यू आर राइटिंग इट प्रॉपरली। आई विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर, सो द फर्स्ट वेक्टर एंड द इजीएस्ट ऑफ ऑल इज व्हाट, जीरो और नल वेक्टर। एज द नेम टेल्स यू, जीरो वेक्टर मतलब इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है बच्चों, इसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी जीरो, राइट, जीरो एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। द मैग्नीट्यूड विल बी जीरो। और डायरेक्शन की बात करें तो इसके डायरेक्शन से क्या ही फर्क पड़ता है बेटा, राइट, बिकॉज जो भी तुम्हारा नल वेक्टर है, क्या उस डायरेक्शन से कुछ फर्क पड़ता है। मैं तुम्हें एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो जैसे ये आपके रजिस्टर हैं, ठीक है, इधर से जो है श्रेयांश ने 0 न्यूटन का फोर्स लगाया। कितना फोर्स लगाया इसने, इसने 0 न्यूटन का फोर्स लगाया, राइट, 0 न्यूटन। और ऊपर से जो है आयुष ने 0 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, और इधर से जो है ये समृद्धि ने 0 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, और इधर नीचे से जो है अद्विता ने 0 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो क्या इसमें रजिस्टर को कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ना है। इवन इफ यू चेंज द डायरेक्शन, इट वोंट मेक द डिफरेंस। वाई? बिकॉज द मैग्नीट्यूड इज जीरो, सो द डायरेक्शन डजंट मैटर एट ऑल, ठीक है। इट हैज सम डायरेक्शन, एज इट इज अ फैक्टर इट विल सर्टेनली हैव सम डायरेक्शन, बट दैट डायरेक्शन इज, इट कैन बी टेकन एनीथिंग, राइट। सो जीरो वेक्टर, इफ इट इज नॉट मेंशनड, द डायरेक्शन कैन बी टेकन एज एनीथिंग एज पर दी क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो नल वेक्टर है या फिर जीरो वेक्टर है, इसमें आप ध्यान रखेंगे इसका जो डायरेक्शन है, अगर कुछ मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, तो आप उसको एज पर दी, एज पर योर कन्वीनियंस यू कैन टेक अप एनी डायरेक्शन, डजेंट मैटर एट ऑल, ओके। सिमिलरली अगर मैं यूनिट वेक्टर की बात करूँ, तो यहाँ देखो नाम से ही पता लग रहा है, राइट, कोई भी तुम्हारे पास ए से बी तक कोई वेक्टर है, राइट, जनरली क्या होता है हम लोग ना ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये बातें करते हैं, है ना। हालांकि अब ये जो है, जो डायग्राम मैं इतने दिनों से ये बनाता आ रहा था, अब 3D में थोड़ा चेंज हो जाएगा। अभी तक हम लोग सिर्फ एक्स और वाई की बात करते थे, अब तुम्हारे पास एक नया एक्सिस आएगा, राइट, और वो एक्सिस कैसा होगा, वो प्लेन के बाहर आएगा। अब ये तुम्हें इमेजिन करना पड़ेगा दैट दिस इज कमिंग आउटसाइड द प्लेन, राइट। जनरली क्या होता है, हम लोग इसको एक्स लेते हैं यहाँ पे, इसको वाई लेते हैं और इसको जेड लेते हैं, हालांकि फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एक्स वाई जेड इसको ऐसे भी ले लेते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये थोड़ा सा, बिकॉज 2D प्लेन में, राइट, अगर मैं 3D बना रहा हूँ, थोड़ी इमेजिनेशन तुम्हें करनी पड़ेगी। हालांकि मैं थोड़े डायग्राम्स और टेक्नोलॉजी यूज करके तुम्हारी विजन को और अच्छा कर दूंगा, अभी तुम इसको देख पाओगे एग्जैक्टली कैसा है। जैसे मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ, जैसे सपोज करो एक हम लोग ना क्यूब बनाते हैं, राइट, लेट से मैं क्यूब बनाता हूँ कुछ ऐसा, ठीक है, एक ये मैं इस टाइप का क्यूब बनाता हूँ, ये अच्छा नहीं बना, राइट, लेट से मैंने ये क्यूब बनाया, ठीक है बच्चों, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। तो ये क्यूब है, और सपोज करो यहाँ से मैं इस मेरा डायरेक्शंस देना चाहता हूँ, राइट, डायरेक्शंस देना चाहता हूँ। तो एक लाइन में ये वाली ले लेता हूँ, पीछे वाली, एक लाइन में ये वाली ले लेता हूँ। अब तुम्हें ये बात तो मालूम है ना कि अगर मैं इसको ओ बोल रहा हूँ, इसको ए बोल रहा हूँ, इसको बी बोल रहा हूँ और इसको सी बोल रहा हूँ, यू कैन बी वेरी श्योर एज इट इज अ क्यूब। नाउ यू कैन इमेजिन इन अ बेटर मैनर, राइट, कि अगर मेरे पास ये जो है, ये अगर मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये अगर वाई एक्सिस है, तो ये अगर जेड एक्सिस, तो ये तीनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। लुक एट द कॉर्नर ऑफ द रूम, जिस रूम में आप बैठे हैं उस रूम के जरा कॉर्नर पे आप चेक कीजिए, राइट, यू कैन इजीली फाइंड इट, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है।
तो ये बहुत आसानी से ये सब चीज जब क्यूब के रेफरेंस में देखते हैं या क्यूबॉइड के रेफरेंस में देखते हैं, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आना शुरू होता है। अच्छा हाँ, ये 2D में, एक अब तुम्हें ये दिख रहा होगा, अच्छा 2D में है तो क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर तो हो गई होगा ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे इमेजिन करना पड़ता है। जैसे मैं अगर बात करूँ एंगल ए ओ बी की, तो क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई, ये तो दिख रहा है। बट एंगल ए ओ सी तुम्हें दिख नहीं रहा, बट तुम्हें मालूम है कि ये भी परपेंडिकुलर होगा, राइट, ये भी परपेंडिकुलर होगा। एंड सिमिलरली एंगल बी ओ सी ये भी नहीं दिख रहा, लेकिन आपको ये भी मालूम है, लुक एट द वॉल एट द कॉर्नर, तुम्हें ये भी मालूम है कि ये भी कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो 3D में जब हम लोग पिक्चर को ड्रॉ कर रहे हैं, तो बिकॉज वी आर ड्रॉइंग इट इन ऑन 2D, तो इट इज स्लाइटली लाइक यू नो, यू नीड सम विजन टू अंडरस्टैंड इट एंड टू रियलाइज इट कि हाँ ऐसा होगा। ठीक है, आई होप आई एम मेकिंग अ पॉइंट एंड यू आर एबल टू गेट इट। ओके, नाउ व्हेन आई नाउ आई वाज टॉकिंग अबाउट यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाता है, जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड वन होना चाहिए। तो अगर कोई भी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड वन है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। और इस तरह के वेक्टर को जनरली हम लोग कैप लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। क्या लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, कैप, इसको बोलते हैं कैप। दिस इज प्रोनाउंस्ड एज ए कैप, राइट, हाउ वुड यू रीड इट, यू विल रीड इट एज ए कैप। तो ए कैप इज अ यूनिट वेक्टर, दैट मीन्स यू कैन से ए कैप इज अ वेक्टर विद मैग्नीट्यूड वन। अगर मैं कह रहा हूँ बी कैप, तो इसका मतलब ये होगा कि इसका मैग्नीट्यूड तो कंपल्सरीली वन होगा, राइट, कहीं पे भी कैप लग गया मतलब मैग्नीट्यूड वन है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं यहीं पे तुम्हारे सामने लेके आऊंगा, वो क्या चीज होती है, इसको हम लोग बोलते हैं जो एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट साइड होता है उसको हम लोग आई कैप बोलते हैं, वाई डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग जे कैप बोलते हैं, राइट, आई कैप जे कैप, और जेड डायरेक्शन में जो मेरे पास यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग के कैप कहते हैं, आई जे के। ठीक है, जैसे आप लोग एक्स और वाई एक्सिस में करते थे, यदि यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस हैं, नाउ यू आर मूविंग इन अ स्पेस, अभी तक यू आर मूविंग इन अ प्लेन, राइट, प्लेन हैज गॉट ओनली टू एक्सिस, द स्क्रीन ऑफ योर फोन और द लैपटॉप, वट एवर यू यूजिंग, राइट, इट हैज गॉट टू एक्सिस, एक्स एंड वाई। बट वेन यू मूव इन टू द रियल स्पेस, राइट, यू हैव थ्री डायरेक्शन ऑलवेज, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो इधर जो यूनिट वेक्टर है, राइट, एक्स एक्सिस में क्या बोलोगे आप उसको, आई कैप, वाई एक्सिस में जे कैप, और जेड एक्सिस में इट इज के कैप। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ओके, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि उसका मैग्नीट्यूड वन होगा। अब जिस डायरेक्शन में होगा जो भी है, सीधे सीधी सी बात है, कैसा भी वेक्टर हो सकता है, जिसका मैग्नीट्यूड वन है वो हमेशा यूनिट वेक्टर होगा, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में है। अगर मैं ओ से यहाँ पे बना रहा हूँ, राइट, ओ से यहाँ पे कोई पॉइंट बना रहा हूँ ओ ए, और मुझे मालूम है कि ये जो ओ ए है इसका मैग्नीट्यूड इज वन, तो दिस इज वॉट, दिस इज सर्टेनली अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, विल कॉल इट अ यूनिट वेक्टर इफ द मैग्नीट्यूड इज वन। नाउ द सेकंड थिंग इज, द नेक्स्ट थिंग इन आवर लिस्ट इज, व्हाट इज पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं, तो देखो पोजीशन वेक्टर बहुत ईजी है। पोजीशन वेक्टर जब कभी भी आप किसी भी वेक्टर को विद रेफरेंस टू द ओरिजिन चेक करते हो, तो उसी को पोजीशन वेक्टर कहते हैं। कभी भी आप किसी भी वेक्टर को अगर आप विद रेफरेंस टू ओरिजिन चेक करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। देखो तो थोड़ा सा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये तुम्हारे साथ आगे तक जाएगा, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ। जैसे सपोज करो, इसको ना पहले तुम 2D से रिलेट करो, राइट, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर मैनर, लेट अस ट्राई एंड रिलेट इट टू 2D, राइट, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। अगर तुम्हारे पास कोई भी पॉइंट है ए कॉमा बी, तो आप इसको क्या समझते थे, आप ये समझते थे कि इसका डिस्टेंस जो है वो वाई एक्सिस से ए होता है, ये बात तो आप जानते हैं ना, और एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना होता है, बी। इसी को हम लोग क्या बोलते थे, ए कॉमा बी बोलते थे। ठीक है, ए कॉमा बी बोलते थे। अगर मुझे ए कॉमा बी तक जाना है तो इसके लिए क्या तरीका होता था, अगर मुझे ए कॉमा बी तक जाना है, अगर मुझे ओरिजिन से ए कॉमा बी जाना है, तो मैं क्या बोलता था कि ठीक है, पहले तो मैं यहाँ से ए डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे चलूंगा और फिर बी डिस्टेंस वाई एक्सिस पे चलूंगा, तो मैं ए कॉमा बी पे पहुंच जाऊंगा, राइट, एक तरीका तो ये था। और दूसरा तरीका क्या था बच्चों, कि पहले मैं बी डिस्टेंस वाई एक्सिस पे चल लूँ और फिर एक्स डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे चल लूँ, तो भी मैं कैसे पहुंच जाऊंगा, मैं इधर ए बी पे पहुंच जाऊंगा, है ना, वाई एक्सिस पे चलने और एक्स पे चलने का मतलब है कि उसके पैरेलल हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सपोज करो जैसे तुम्हें ए बी सी, अब तुम इसको एक्स एक्स कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड के रेफरेंस में देखना शुरू करो, राइट, सपोज करो मुझे अब जिस पॉइंट पे पहुंचना है वो कौन सा पॉइंट है, वो है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, तो ए का मतलब क्या है कि हम पहले एक्स डायरेक्शन में ए डिस्टेंस कवर करें। ठीक है भाई, एक्स डायरेक्शन में मैंने ए डिस्टेंस कवर किया, लेट्स से ये क्यूब नहीं क्यूबॉइड है, ठीक है,
और मैंने ए डिस्टेंस अभी एक्स डायरेक्शन में कवर किया। अब मैं बी डिस्टेंस किधर जाऊंगा, वाई डायरेक्शन में, तो ये बी डिस्टेंस वाई डायरेक्शन में है, राइट। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट की बात करूं बेटा, जैसे मैं ए की बात करूं, तो क्या ये चीज़ बहुत क्लियर है? जैसे एक्स एक्सिस पे जो भी कोऑर्डिनेट होता है, राइट, इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस, दिस विल बी ए कॉमा जीरो। सिमिलरली ये वाला जो पॉइंट है, इसका इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, दैट विल बी ए कॉमा जीरो जीरो, राइट। मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो ए होगा, लेकिन वाई और जेड क्या होगा, जीरो और जीरो होंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट बी की बात करूँ, पॉइंट बी की, तो अगर ये डिस्टेंस बी है, अगर ये वाई से पैरेलल चला है, बी स्मॉल बी, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बेटा, ए बी जीरो। ये सारी चीजें तुमने क्लास 11th में पढ़ रखी हैं, राइट। 11th में ये बेसिक ऑफ 3D तुम लोगों ने पढ़ रखा है, राइट। अब उसको थोड़ा रिकलेक्ट करने की जरूरत है, ओके। और जब मुझे ए बी सी पे पहुंचना है, तो ऑब्वियस सी बात है, अब मैं जब बी पॉइंट पे पहुंच गया, जैसे यहाँ बी पे पहुंच गया, जैसे कि अब कहाँ जाऊंगा, अब मैं जेड डायरेक्शन में जाऊंगा, जेड डायरेक्शन किधर है, ऊपर है, तो इसके पैरेलल में यहाँ पे मूव किया, कितना डिस्टेंस, सी डिस्टेंस। तो ये वाला जो मेरे पास पॉइंट है, लेट्स कॉल इट एट पॉइंट नंबर पी, तो ये जो पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, ए बी एंड, ठीक है। तो तुम्हें ये कहीं ना कहीं आइडिया लगता है कि किस तरीके से हम लोग पॉइंट्स देखते हैं, राइट, किस तरीके से हम लोग पॉइंट्स देखते हैं, राइट। आई होप इट इज स्लाइटली अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू, हैव डन दैट इन क्लास 11, एंड इट इज टाइम व्हेन यू शुड रिकलेक्ट इट वेरी प्रॉपरली, ओके। चिल्ड्रन, 3D इज कंसिडर्ड टू बी अ टेक्निकल टॉपिक, बट बिलीव मी इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, प्रोवाइडेड यू मूव टर्न बाई टर्न, चीजों को समझते हुए चलोगे तो 3D तुम्हारे लिए ईजी होगी। अदरवाइज 3D इज अमंग द डिफिकल्ट टॉपिक इन एनी ऑफ द एग्जाम, किसी भी एग्जाम में 3D को डिफिकल्ट कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है, बट अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो एज यूजल कुछ भी मुश्किल नहीं होने जा रहा, ठीक है, ओके। तो दैट वॉज अबाउट पोजिशन वैक्टर। तो अगर मुझे पोजिशन वैक्टर देखना है, राइट, किसी भी कई पोजिशन वैक्टर देखना है, तो हम लोग कैसे देखते हैं, हम लोग उसके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के सिस्टम में देखते हैं। सपोज करो ये मेरे पास प्लेन है, और इसमें मेरे पास कोई एक रैंडम पॉइंट है, 1 2 3, राइट, 1 2 3, और लेट से इसका नाम ए है, राइट। तो इसका वेक्टर के फॉर्म में इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी बच्चों, ओ ए। और जनरली अगर पॉइंट नाम उसका ए है ना, तो इसको हम लोग स्मॉल में भी रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, स्मॉल ए से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो ओ ए है, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 1 2 3, तो 1 किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, तो मैं क्या बोलूंगा, 1 × i कैप, क्या होगा बच्चों, आई कैप। 2 × j कैप वाई डायरेक्शन में, तो कितना हो जाएगा, 2 × j कैप, और 3 × k कैप, दैट इज 3 × k कैप, ठीक है। तो ये जो चीज होती है, जब कभी भी हम लोग विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन देखते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, राइट। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, पोजीशन ऑफ अ वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, दैट इज ओनली द व्हाट, दैट इज ओनली द पोजीशन वेक्टर, उसी को हम लोग पोजीशन वेक्टर कहते हैं। आई होप यू आर clear with that, okay? So I'm erasing the screen in case you need to write it down. Just take a screenshot. You can write it down after the class, right? I just want you to brief about every small thing that you can find in the exercises ahead, right? I'm not focusing only on the first exercise, but I'm focusing on the basic concept of that, right? First exercise to automatically bahut easy hai aapke liye, okay? So let's see. The next thing is co-initial. अब देखो नाम से ही पता लग रहा है ना, co-initial मतलब जो एक ही पॉइंट से इनिशिएट हो रहा हूँ, राइट। जैसे कि ये एक वेक्टर है मेरे पास ओ ए, एंड एक दूसरा वेक्टर है ओ बी, ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे, co-initial. If they are initiating from the same point, they are called as co-initial, ठीक है। ऐसे ही एक co-terminus भी होता है यहाँ पे, co-terminus. अब terminate मतलब क्या होता है, एंड होना, है ना। जैसे ये एक फोर्स लग रहा है यहाँ पे, राइट, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ से, फोर्स यहाँ से लगना शुरू हो रहा है, ठीक है। लेट से दिस इज ए बी, और दूसरा फोर्स मेरे पास लग रहा है दिस इज सी बी, तो ये क्या है, ये कोट टर्मिनस, राइट, दे आर टर्मिनेटिंग एट अ पॉइंट, दे आर इनिशिएटिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड दे आर टर्मिनेटिंग टू अ पॉइंट, तो कोट टर्मिनस एंड को इनिशियल, ऐसी ये सब बातें नाम से पता लग जाती है। लाइक और अनलाइक मैंने अभी अभी तुम्हें बताया था, लाइक वेक्टर्स क्या होते हैं, जिनका डायरेक्शन सेम होता है, राइट, जिनका डायरेक्शन सेम होता है, ये सब लाइक वेक्टर्स हैं। और अनलाइक वेक्टर्स क्या होते हैं, जिसका डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट होगा, एग्जैक्टली अपोजिट होगा, ठीक है, ठीक अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, सेंस एग्जैक्टली अपोजिट होगा, क्या बोलेंगे, अनलाइक वेक्टर्स बोलेंगे, ओके। देन यू हैव को प्लेनर वेक्टर्स। अब देखो प्लेन्स बहुत सारे होते हैं,
जैसे तुम अगर अपने फोन का कोई अगर तुम्हारे पास कवर है और उसका फ्लैप देखो या फिर कोई नोटबुक देख लो, राइट, तो उसमें क्या होता है, जैसे ये राइट, दिस इज माई बॉक्स ऑफ द डिजिटल पेन जो मैं यूज करता हूँ तुम्हें पढ़ाने के लिए। तो देखो यहाँ तुम्हें दिख रहा है राइट, हेयर यू हैव प्लेन्स, राइट, एक प्लेन ये है, एक प्लेन इधर है, राइट, दिस इज वन ऑफ द प्लेन्स, दिस इज वन ऑफ द प्लेन्स, देयर टू प्लेन्स, ठीक है। तो अगर सेम प्लेन पे लाई कर रहा है, राइट, बहुत सारे प्लेन्स ऐसे पॉसिबल हैं, कितने, जैसे कि किसी भी मेरे पास इस पार्टिकुलर प्लेन की अगर मैं बात करूँ, तुम लोग टू डी, टू डी में तुम लोगों ने, देखो हर चीज़ को टू डी से रिलेट करोगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा, बिकॉज टू डी के बारे में तुम्हें काफ़ी कुछ आता है ना। तो चीज़ों को अगर टू डी से रिलेट करोगे थोड़ा ईजी हो जाता है उसको याद रखना, है ना। तो इसलिए हम लोग इसको टू डी से थोड़ा रिलेट करते हैं। जैसे सपोज करो अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन की बात करता हूँ, तो कितने स्ट्रेट लाइन हो सकते हैं एक प्लेन पे, कितने स्ट्रेट लाइन हो सकते हैं एक प्लेन पे, इनफाइनाइट हो सकते हैं ना, दे कैन बी इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन, कैसे भी हो सकते हैं, राइट, एनी हाउ। तो उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ये टॉकिंग अबाउट को प्लेनर वैक्टर, तो अगर कोई वैक्टर जो है वो सेम प्लेन पे, राइट, जैसे कि एक्स वाई एक्सिस पे है, राइट, ये मेरे पास एक्स है, ये वाई है, और जेड मेरा इधर कहीं ये प्लेन से बाहर निकल रहा है, राइट, ये तुम्हें ऐसे इमेजिन करना है, ओके, जेड इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, दैट इज परपेंडिकुलर, तीनों ऑब्वियसली हमेशा परपेंडिकुलर ही होते हैं, ठीक है। तो ये एक्स और वाई पे है, तो हाँ ठीक है भाई, ये सब के सब क्या है, को प्लेनर है। अब ये एक्स और वाई पे और दूसरा जो है वो एक्स और जेड पे, तो ये क्या है, अब यहाँ पे हालांकि तुम्हें ये 3D है, तुम्हें अगर यहीं पे देख रहे हो तुम्हें लग रहा होगा ये तो एक ही प्लेन है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अगर टू प्लेनर, टू वेक्टर्स आर इन द सेम प्लेन, विल कॉल देम को प्लेनर। को प्लेनर निकालने का तरीका भी होता है जो हम अभी आगे सीखेंगे कि कौन से वेक्टर को प्लेनर होंगे, ऐसे हम कैसे चेक करेंगे, ठीक है। कोलिनियर, अब देखो कोलिनियर अगर हम लोग 2D की बात करें, हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन पे तीन या तीन से अधिक पॉइंट्स अगर सेम लाइन पे हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, कोलिनियर। 2D में हम लोगों ने ये पढ़ा था, ठीक है। बट यहाँ पे जब आप इसको वेक्टर्स में पढ़ रहे हैं, कोलिनियर वेक्टर्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे अगर वो सेम स्ट्रेट लाइन में है तब तो वो कोलिनियर है ही है, बट अगर वो सेम स्ट्रेट लाइन में नहीं भी है और अगर वो पैरेलल लाइंस में है तो भी उसको कोलिनियर बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। आई रिपीट, आपने 2D में क्या पढ़ रखा है, इफ यू हैव थ्री और मोर देन थ्री पॉइंट्स लाइंग ऑन अ सिंगल लाइन यू कॉल देम कोलिनियर पॉइंट, राइट, यू कॉल देम कोलिनियर पॉइंट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट कोलिनियर वेक्टर्स, देन दीज कोलिन, यहाँ से जो मेरे पास वेक्टर्स बनेंगे ये तो कोलिनियर होंगे ही होंगे, अपार्ट फ्रॉम दैट जो इसके पैरेलल लाइंस होंगे, जितने भी पैरेलल लाइंस होंगे, राइट, इवन इन दी अपोजिट डायरेक्शन, इवन इन दी अपोजिट डायरेक्शन, बिकॉज जो अपोजिट डायरेक्शन में है वो भी तो भाई पैरेलल ही है ना, अगर इनके बीच का जो, अगर ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं और ये सेम प्लेन में है, तो ये क्या है भाई, दे आर ऑलवेज पैरेलल। तो अगर कभी भी पैरेलल तुम्हारे पास वेक्टर्स हैं तो ध्यान रखना हमेशा, तो क्या बोलोगे तुम, कोलिनियर वेक्टर्स बोलोगे, इस पॉइंट को ध्यान रखोगे, 2D से ये एग्जैक्टली डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। कोटर्मिनस आपने ऑलरेडी पढ़ लिया, रेसिप्रोकल ऑफ अ वेक्टर, ये क्या होता है बच्चों, रेसिप्रोकल ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, आओ चलो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे रेसिप्रोकल ऑफ अ वेक्टर, जैसे सपोज करो तुम्हारे पास कोई वेक्टर है ए, ठीक है, तो रेसिप्रोकल ऑफ अ वेक्टर को सबसे पहले तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अगर मुझे ए का रेसिप्रोकल चाहिए तो मैं ए इनवर्स और उसके ऊपर, जैसे हम लोग करते थे रेसिप्रोकल, ठीक है, और उसको हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, हम लोग कैसे लिख लेंगे, ऊपर वेक्टर लगा देंगे, तो रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर, ये रिप्रेजेंटेशन हो गई। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इसकी डायरेक्शन तो वही होगी, इसकी डायरेक्शन तो वही होगी जो ए की है, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, राइट, वो एग्जैक्टली नीचे की तरफ होगा, राइट, अब मतलब इसका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताओ, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर अपोजिट हो जाएगा तो मैं इसको बोलूँगा कि ये वेक्टर ए का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि तुम्हें मालूम है कि ए वेक्टर की बात मैं अगर करूं तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, अच्छा यहाँ पे देखो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड ए होगा और ये आपके पास ये हो जाएगा, दिस इज ए, तो दिस इज एक्चुअली ये चीज तो ए कैप हो गई, है ना, दिस इज ए कैप, राइट, दिस वॉट, दिस इज ए कैप, अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए। बट क्योंकि मुझे रेसिप्रोकल ऑफ अ वेक्टर चाहिए, इसका मतलब ये है कि उसका मैग्नीट्यूड, अगर सपोज करो मेरे पास इसका मैग्नीट्यूड 5 था, लेट्स से आई टॉक अबाउट इसका मैग्नीट्यूड 5 है, तो जब मैं डायरेक्शन सेम होगी, राइट, लेकिन जो इसका मैग्नीट्यूड है वो एग्जैक्टली रेसिप्रोकल होना चाहिए, यानी ये चीज कितनी होनी चाहिए, ये 1/5 होनी चाहिए, ठीक है, दिस थिंग शुड बी 1/5, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ मैंने अभी क्या लिखा था रेसिप्रोकल में, मैंने इसको ए स्क्वायर किया था, राइट, ए स्क्वायर क्यों किया था बच्चों, ए स्क्वायर इसलिए किया था क्योंकि
क्योंकि देखो डायरेक्शन, ये तो डायरेक्शन दे रहा है कि भाई डायरेक्शन सेम होगी, और अगर इसका मैग्नीट्यूड देखो तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड 5 है इस एग्जाम्पल के लिए, और ए स्क्वायर करने से क्या हो गया मुझे 5 का स्क्वायर मिल गया, तो मुझे इसका क्या मिला 1/5। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि कभी भी अगर आप वेक्टर ए और उसके राइट ए इनवर्स को अगर आप कभी उसका मैग्नीट्यूड देखेंगे, राइट अगर आप मैग्नीट्यूड देखेंगे तो दैट विल ऑलवेज बी वन, ऑलवेज बी वन। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, आप चाहे तो इसको लिख लें, मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ, आप लिख लीजिए, बिकॉज ये वाली चीज़ थोड़ी सी जो है कभी कभी बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग हो जाती है, इसलिए लिख लेना बेटर होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट द नेक्स्ट थिंग दैट इज देयर इज नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, नेगेटिव का मतलब क्या हो गया कि अगर मेरे पास कोई भी वेक्टर है, अगर मैं उसमें कोई दूसरा वेक्टर ऐड कर रहा हूँ तो वो चीज़ अगर जो है वो ज़ीरो हो जाती है तो हम ये एक्स जो है उसको क्या कहलाएगा, नेगेटिव कहलाएगा। तो बहुत ईजीली तुम्हें समझ में आता है कि एक्स वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स वेक्टर कुछ और नहीं हो जाएगा, माइनस ऑफ ए हो जाएगा। और इसका मतलब क्या समझ में आता है तुम्हें, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माइनस ए? ओके, और थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करते हैं। सपोज करो जैसे मैं ए की बात करता हूँ बेटा, लेट से आई टॉक अबाउट ए, तो ए की कुछ मैग्नीट्यूड होगी और कुछ डायरेक्शन होगी, मैंने ये डायरेक्शन ले लिया। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज वेक्टर ए। ठीक है, अच्छा अगर मैं ए को हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आई से हाफ ऑफ ए, हाफ ऑफ ए, तो हाफ ऑफ ए क्या हो जाएगा बच्चों, अब ये डायरेक्शन तो सेम होगी बट इसकी लेंथ, इसकी मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली हाफ हो जाएगी। ओके अच्छा, और सपोज करो मैं कहता हूँ ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ ए, राइट, ये सारी चीज़ें आप अभी पढ़ेंगे, दिस इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर, है ना, ये क्या है, ये स्केलर ही है ना, हाफ बी स्केलर है, टू बी स्केलर है, जहाँ जो चीज़ नहीं दिख रही है वो एक्चुअली में है क्या, वन है। ठीक है, तो चीज़ नहीं दिख रही है, वन इंटू द सेम थिंग, दैट इज वन, दैट इज द सेम थिंग। ठीक है, तो वेक्टर ए का कोई मैग्नीट्यूड है, हाफ ए का भी मैग्नीट्यूड है, किसका किसका मैग्नीट्यूड कितना है, पहले वाले से एग्जैक्टली आधा, मतलब इसकी लेंथ कितनी होगी, पहले वाले की जस्ट हाफ। और अगर मैं टू ए की बात करूँ तो क्या होगी कि ये जो टू ए है ये फर्स्ट वाले का एग्जैक्टली डबल मैग्नीट्यूड होगा इसका, इसकी लेंथ एग्जैक्टली डबल होगी, दैट इज टू ए। ठीक है, ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँ कि बताओ माइनस ऑफ टू ए क्या होगा, माइनस ऑफ टू ए क्या होगा, तो हमें समझ में आना चाहिए कि माइनस ऑफ टू ए एग्जैक्टली ए की तरीके से होगा, जो मेरे पास टू ए था वही होगा माइनस टू ए, सिर्फ उसकी डायरेक्शन बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी। माइनस ऑफ टू ए, अगर ए ट्वाइस ऑफ ए वॉज पॉइंटिंग टूवर्ड दिस, देन माइनस ऑफ टू ए विल पॉइंट इन दी एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन, यू कैन से अनलाइक वेक्टर। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आप? ठीक है, तो अगर सिमिलरली माइनस ऑफ हाफ ऑफ ए भी हो सकता है, ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको ये समझ में आना चाहिए कि नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर कुछ और नहीं होता है, जब तुम उसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हो, माइनस एक ले लोगे, माइनस ए कितना हो जाएगा, माइनस ए बिल्कुल सेम वेक्टर होगा बट इन दी अपोजिट डायरेक्शन, ए की डायरेक्शन अगर इधर थी तो माइनस ए की डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट होगी। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए। देन यू हैव लोकलाइज्ड एंड फ्री वेक्टर, राइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लोकलाइज्ड एंड फ्री वेक्टर। देखो वेक्टर को जब आप किसी पॉइंट के रेफरेंस में देखते हो, खास करके जब हम ओरिजिन के रेफरेंस में देखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। बट अगर उसको हम किसी भी पॉइंट के रेफरेंस में नहीं देखते हैं तो हम उनको लोकलाइज या फिर फ्री वेक्टर भी कहते हैं, राइट। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एक्स डायरेक्शन में आपको टू यूनिट का एक वेक्टर बनाना है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में आपको टू यूनिट का एक वेक्टर बनाना है, ठीक है ना, तो एक्स डायरेक्शन में आपने टू यूनिट का एक वेक्टर बना दिया, ठीक है, राइट। सो दिस इज, लेट्स से दिस इज ओ ए, सो वी कैन से दैट ओ ए इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज टू। नाउ अगर ये ओ ए की जगह पे, राइट, अगर ये बी सी भी है जो कि एक्स डायरेक्शन में ही है, तो ये भी जो है इवन दिस इज एक्सेप्टेबल। इस तरह के जो वेक्टर जिनकी पोजीशन हम कहीं से कहीं तक लेके जा सकते हैं, बिकॉज यहाँ डायरेक्शन कैसे पता लगती है, पैरेलल चीज़ें भी सेम डायरेक्शन में कहलाती हैं, कोलिनियर कहलाती हैं, अगर ये पैरेलल भी है तो हम इसको यहाँ पे कोलिनियर कहते हैं वेक्टर्स के फॉर्म में, ठीक है। तो फ्री वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनको आप कहीं से भी रख सकते हो, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन
सेम होना चाहिए। हाँ वो पॉइंट और रेफरेंस के रिस्पेक्ट में नहीं, उसके फ्री नाम की तो अलग रहते हैं, फ्री दे कैन बी लोकलाइज एनी वेयर, ठीक है, तभी इसको लोकलाइज भी कहते हैं, दे कैन बी लोकेटेड एनी वेयर, ठीक है, जस्ट दैट दी डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड शुड बी सेम, दे आर कॉल्ड व्हाट, दे आर कॉल्ड फ्री वेक्टर्स और लोकलाइज वेक्टर्स। ओके चिल्ड्रेन, सो दैट वॉज अ लॉट ऑफ थियोरी दैट वी हैव डन टिल नाउ, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट एक्सरसाइज विच इज वेरी वेरी इजी, राइट, जल्दी से देख लेते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ग्राफिकली, राइट, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ग्राफिकली, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहाँ पे डायरेक्शन इज इम्पॉर्टेंट। जब कभी भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा, हालांकि इतना इजी क्वेश्चन कभी तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन हाँ समझने की शुरुआत तो यहीं से करनी चाहिए। तो आइए समझने की शुरुआत हम लोग बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं। ये मेरे पास, अच्छा मुझे डायरेक्शन चाहिए तो मैं एक्स वाई नहीं लूंगा, फिर मैं यहाँ पे क्या लूंगा, मैं इधर ईस्ट लूंगा, कंपास तो तुम लोगों ने देखा ही होगा, वेस्ट लूंगा, नॉर्थ लूंगा और ये साउथ लूंगा, ठीक है, दैट इज हाउ आई विल स्टार्ट इट। नाउ अब ये क्या कह रहे हैं, दे आर सेइंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर, 30 डिग्री ऑफ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, राइट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब यहाँ से एंगल कितना चलेगा, ये एंगल कितना होगा बच्चों, 30 डिग्री का, ठीक है, ये एग्जैक्ट होना जरूरी नहीं, जरूरी नहीं कि आप कंपास से ड्रॉ करें, इवन इफ यू जस्ट ड्रॉ लाइक दिस दैट इज ओके। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड लेट्स नेम इट, लेट्स से दिस इज पॉइंट ओ एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, है ना, बिकॉज इट इज अ वेक्टर, तो आप हमेशा वेक्टर का साइन, एरो का साइन बनाएंगे। और इन्होंने क्या बोला है, डिस्प्लेसमेंट 40 किलोमीटर, यानी व्हाट, हाउ विल आई रिप्रेजेंट इट, आई विल से दैट ओ ए इज इक्वल टू, बल्कि मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए इज इक्वल टू 40 किलोमीटर, ठीक है, और डायरेक्शन यहाँ से हमें ऐसे पता लग रही है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन ऐसी जल्दी से करके बताता हूँ, जैसे सपोज करो 50 किलोमीटर साउथ ईस्ट, जब सिर्फ साउथ ईस्ट कह रहे हैं तो हमेशा वो मिडिल डायरेक्शन होता है, राइट, मतलब ये एंगल तुम्हारा 45 डिग्री होगा और क्वाइट ऑब्वियस ये भी 45 डिग्री होगा, ठीक है, तो इफ दे आर सेइंग साउथ ईस्ट दैट इज द मीनिंग ऑफ इट, राइट, साउथ वेस्ट दिस वन, नॉर्थ वेस्ट दिस वन एंड सो ऑन, ठीक है। अगर कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन कह रहे हैं तो वो मेंशन कर देंगे, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, 40 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट कैसा हो जाएगा, 40 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, वेस्ट के रेफरेंस में 40 डिग्री, मतलब ये वाला जो एंगल है ये मेरे पास कितना होगा बच्चों, ये 40 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। और डिस्टेंस देखने में तो कोई टेंशन ही नहीं है, राइट, लेट्स से दिस ओ सी, ओ सी की डिस्टेंस कितनी हो गई, ये हो गई 70 किलोमीटर, राइट, और ये क्या बोल रहे हैं 50 किलोमीटर, तो ये आपकी डिस्टेंस कितनी हो गई, लेट्स से दिस ओ बी, ओ ए, ओ बी, ओ सी, तुमने फटाफट ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। जिसको भी समझ में आ गया जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में डन लिखो, फिर आगे बढ़ता हूँ, जल्दी से डन लिखना फटाफट से, ये बेसिक बातें जिसको समझ में आ गई हैं जल्दी से डन लिखिए, राइट, कि हाँ भाई बहुत इजी है सर, आगे बढ़ो, राइट, ठीक है, ऑल गुड, चलो आगे बढ़ते हैं, लेट अस प्रोसीड टू सम बेटर क्वेश्चंस। आइए जल्दी जल्दी करेंगे, ये सब बहुत बेसिक है, फर्स्ट एक्सरसाइज एक्चुअली बहुत बेसिक दे रखा है, सेकंड एक्सरसाइज से थोड़ी सी काम की बातें शुरू हो रही है ना, लेकिन छोड़ना नहीं है, राइट, बेसिक जितना स्ट्रांग रखेंगे आगे की चीजें हमेशा उतनी अच्छी रहेंगी, ध्यान रखना। कोई भी चीज़ तुम्हें मुश्किल से भी लगती है कि बीच में कुछ गैप हो जाता है, राइट, अगर नॉलेज कनेक्टेड है, इफ यू आर कनेक्टिंग द डॉट द डायग्राम विल ऑलवेज बी क्लियर टू यू, बट इफ यू मूव रैंडमली इट मे क्रिएट कंफ्यूजिंग फॉर यू, ठीक है, तो इसलिए मैं बेसिक पे आपने देखा होगा मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस देता हूँ, ठीक है। क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर्स, क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स, ओके, 15 kg आपको पता है क्या होता है, मास होता है, ये क्या हो जाता है, स्केलर हो जाता है, 15 kg वेट है, वेट है तो क्या है, वेक्टर है, वेट इज अ फोर्स, ठीक है, 45 डिग्री एंगल है, इज सर्टेनली वाई, हम यहाँ पे वेक्टर लॉ एडिशन नहीं होता है तो ये क्या हो जाएगा, ये स्केलर हो जाएगा, राइट, 10 मीटर साउथ ईस्ट, देखो ये डायरेक्टेड डिस्टेंस है, इसका डायरेक्शन है तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा, 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है तो क्या है बच्चों, दैट इज वेक्टर अगेन, वेक्टर, ठीक है। टाइम पीरियड की बात करें, टाइम पीरियड इज ऑलवेज स्केलर, डिस्टेंस की बात करें, इट इज ऑलवेज स्केलर, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, वेलोसिटी इज वेक्टर, वर्क, वर्क इज अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स, नाउ ये सब देखो पीसीएम के बच्चे हैं या 9th 10th में तक भी जिसने मैथमेटिक्स अच्छे से, फिजिक्स वगैरह अच्छे से किए, उनके लिए ये सब चीजें बहुत ईजी हैं, इट इज अ वेक्टर, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर, तो ये बिल्कुल बेसिक लल्लू क्वेश्चंस हैं जो तुम आसानी से इसको फिनिश कर ले रहे हो, ठीक है। आओ चलो आगे बढ़ेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन द फिगर 23.5 ABCD इज अ रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन का मतलब क्या होता है, जहां कहीं भी रेगुलर वर्ड आता है इसका मतलब होता है दैट ऑल द साइड्स एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, रेगुलर वर्ड का मतलब ही होता है दैट ऑल द साइड्स एंड एंगल्स दे आर इक्वल, ठीक
है, देर ऑलवेज इक्वल, तो रेगुलर का मतलब ये होता है। ओके ओके फाइन, तो विच वेक्टर्स आर कोलिनियर, ये पूछ रहे हैं कौन से वेक्टर्स कोलिनियर है, तो बहुत टेंशन नहीं होनी चाहिए बताने में। जैसे कोलिनियर मतलब डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तो मैं बोलूंगा ई बी इज कोलिनियर, राइट, ए बी इज कोलिनियर, देन आई विल से एफ ई एंड बी सी दे आर कोलिनियर, देन आई वुड से ए एफ एंड सी डी दे आर कोलिनियर, ठीक है, दैट इज ऑल से दैट। ओके व्हेन आई से अबाउट इक्वल वेक्टर, राइट, बिकॉज अब ये देखो ए डी भी कोलिनियर होगा, है ना, कौन कौन से कोलिनियर हैं मेरे पास, बी वेक्टर इज कोलिनियर, अगर मैं कोलिनियर का एग्जाम्पल देता हूँ तो बी इज कोलिनियर, जेड इज कोलिनियर एंड एक्स इज कोलिनियर, हम लोगों ने कोलिनियर अभी सीखा है। कोलिनियर क्या होते हैं, जो पैरेलल होते हैं वही कोलिनियर कहलाते हैं, ठीक है। और इक्वल में क्या होते हैं, पैरेलल भी होने चाहिए और मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है तो इसके साइड तो इक्वल होंगे, यानी मैं क्या बोलूंगा बी एंड एक्स दे आर वॉट, दे आर इक्वल, राइट, बी एंड एक्स को मैं क्या बोलूंगा दे आर इक्वल, ठीक है। देखो इसका ध्यान से देखो, ये तुम्हारे पास बी है और ये तुम्हारे पास एक्स है, देयर साइड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड तो बराबर ही होगा और डायरेक्शन पैरेलल है, इसका मतलब क्या है, ये इक्वल है। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो मेक आउट कि ये तुम्हारे पास ये जो वाई है और ये जो सी है, दे आर ऑल्सो इक्वल, राइट, दे आर ऑल्सो इक्वल, एंड देन ए एंड डी दे आर ऑल्सो इक्वल। आई होप यू आर गेटिंग ऑल दैट। ओके नाउ व्हेन आई टॉक ऑफ को इनिशियल, अगेन दैट वेरी सिंपल, जो एक ही पॉइंट से इनिशिएट हो रहे हैं, जैसे क्या वाई एंड ए एंड जेड दे आर को इनिशियल, ये तीनों के तीनों ए से इनिशिएट हो रहे हैं, ठीक है, दे आर को इनिशियल, फाइन। और कौन सा को इनिशियल दिख रहा है बच्चों, और कोई को इनिशियल नहीं दिख रहा है ना, बिकॉज ये देखो इसका डायरेक्शन डिफरेंट है, तो मैं इसको को इनिशियल नहीं बोलूंगा, राइट, को इनिशियल से एक ही जगह से इनिशिएट होना जरूरी है, तो आई विल से ए जेड एंड वाई दे आर को इनिशियल, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, कोलिनियर बट नॉट इक्वल, बहुत बढ़िया, बी एंड जेड दे आर कोलिनियर बट दे आर नॉट इक्वल, सिमिलरली एक्स एंड जेड दे आर कोलिनियर बट दे आर नॉट इक्वल। अगर तुम्हें ये बातें समझ में आ रही हैं तो जल्दी से यस लिखो कमेंट बॉक्स में, जल्दी से लिखो, और नहीं समझ में आई तो आर लिखना, मैं रिपीट कर दूंगा, समझ में आ गई तो यस लिखो, नहीं समझ में आई तो आर लिखो, राइट, वी हैव टू बी फास्ट एज वेल एज वी हैव टू मेक श्योर कि चीजें तुम्हें समझ में भी आ रही हैं। अच्छा चलो एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूँ, राइट, वन ऑफ यू हैज रिटन आर, तो मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ, राइट, और आओ एक एक एग्जाम्पल लेकर रिपीट कर देता हूँ, लेट मी टेक अप एन एग्जाम्पल, थैंक यू अक्षित। लेट से तुम्हारे, तुम लोग ने जो साइंस वाले बच्चे हैं वो तो बेंजीन का डायग्राम बड़ा ड्रॉ करते होंगे, राइट, बेंजीन कुछ ऐसी हुआ करते थे, राइट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे बहुत पसंद थी जब मैं 11th 12th क्लास में पढ़ता था, बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड, राइट, बड़ी अच्छी एरोमा मीन्स खुशबू, क्योंकि बेंजीन के सारे जितने भी होते हैं उससे बड़ी अच्छी खुशबू आती थी, इनको एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं, और यहाँ पे ये रिंग हुआ करती थी, है ना, ऐसे कैर एनी वेज, हमारे मैथ में यहाँ पर रिंग डालने की जरूरत नहीं, नॉट बेंजीन, इट इज अ हेक्सागन, ओके, दैट्स अ रेगुलर हेक्सागन दैट आई हैव ड्रॉन हियर, सो इफ इट इज अ हेक्सागन, राइट, एंड लेट्स से फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस, मैं मुझे लगा चलो रिपीट भी करना है और जो बच्चों को समझ में आ गया उनको देखना भी है कि वो सही है, सही आंसर करते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर मैं कुछ डायरेक्शन दे रहा हूँ, तुम्हें सिर्फ ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से कोलिनियर हैं, राइट, तुम सिर्फ वेक्टर्स का नाम लिख के बता दोगे मुझे कौन कौन से कोलिनियर हैं, और जिनको समझ में नहीं आया है वो बहुत ध्यान से देख लेंगे, ठीक है, तो मैं डायरेक्शंस यहाँ पे लिख ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देख लेना, ठीक है, देयर शुड बी नो कंफ्यूजन, लुक एट द डायरेक्शन वेरी केयरफुली, सबसे पहले मुझे जो कोलिनियर हैं वो मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ, कोलिनियर, ठीक है, इसी फॉर्म में लिख देना, जैसे बी सी इज कोलिनियर टू एफ ई, बट एफ ई नहीं है, डायरेक्शन डिफरेंट है, तो ये ई एफ हो जाएगा, है ना, ये सारी बातें ध्यान रखना, चलो तुम्हारे लिए मैं लिख देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ, लेट्स से दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, सो यू कैन यूज स्मॉल ए बी सी डी टू राइट। कोलिनियर कौन कौन से हैं जल्दी से लिख के बताओ, ठीक है, और उसके बाद फिर को इनिशियल लिख के बताना, नंबर वन कोलिनियर, जिन जिनों जिनको समझ में आ गया, नंबर टू को इनिशियल, और नंबर थ्री कोलिनियर बट नॉट इक्वल, ठीक है, और इक्वल वाला तो तुम्हें पता ही है, कोई टेंशन नहीं, कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ,
मैं आंसर यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो जिनको भी समझने में परेशानी आई थी वो यहाँ ध्यान से देखेंगे बच्चों। देखो अब मुझे क्या चाहिए, कोलिनियर चाहिए। कोलिनियर मतलब क्या होता है, पैरेलल, यानी डायरेक्शन एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा, जेड सबसे पहले मैं देखूंगा कि जेड और सी क्या है मेरे पास, जेड और सी कोलिनियर है, ठीक है, सी एंड जेड दे आर कोलिनियर, ओके। और क्या मुझे दिख रहा है, और मुझे दिख रहा है वाई डी और बी, ये भी क्या है मेरे पास, कोलिनियर है, वाई डी एंड बी दे आर ऑल्सो कोलिनियर। और कुछ दिख रहा है क्या कोलिनियर, ये दिख रहा है राइट, ई एफ, हालांकि इसका सेंस एग्जैक्टली अपोजिट है, बट आपको पता है कि पैरेलल होना जरूरी है, और जो अनलाइक है वो भी पैरेलल ही होते हैं, ठीक है। तो मैं ए और एक्स को भी कोलिनियर कहूंगा, ए और एक्स को भी मैं कोलिनियर कहूंगा, ठीक है, इवन इफ दे आर अनलाइक दैट इज एब्सोल्युटली फाइन राइट। अक्षय, सलमान, अभिषेक, वेरी गुड, सही चल रहा है, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। तो ये तुम्हें पहले कोलिनियर समझना आ गया। को इनिशियल जो सेम पॉइंट से इनिशिएट होते हैं, ऐसा सिर्फ एक ही पॉइंट मुझे दिख रहा है यहाँ पे जहाँ से तीन वेक्टर इनिशिएट हो रहे हैं, सी डी एन एक्स राइट, सी डी एन एक्स दे आर को इनिशियल, एक ही पॉइंट पे इनिशिएट हो रहे हैं। अगर यहाँ पे को टर्मिनस कहा गया होता जो नहीं पूछा गया था, को टर्मिनस, बट मैंने तुम्हें बताया एक को टर्मिनस क्या होता है, को टर्मिनस जो एक पॉइंट पे टर्मिनेट हो रहा है, तो मैं बोलूंगा एक्स और वाई राइट, एक्स और वाई ये एक ही पॉइंट पे टर्मिनेट हो रहा है, दोनों के दोनों वाई पे टर्मिनेट हो रहे हैं। और कोई ऐसा दिख रहा है क्या, हाँ यहाँ पे दिख रहा है, बी एंड ए दोनों को देखो कहाँ पे टर्मिनेट हो रहे हैं, एफ पे टर्मिनेट हो रहे हैं, तो ये भी को टर्मिनस है, ठीक है। देन द लास्ट वाज व्हाट, कोलिनियर बट नॉट इक्वल, ये कोलिनियर तो होंगे बट इक्वल नहीं होंगे, ये कौन से दिख रहे हैं भाई, आओ देखते हैं। ये मुझे दिख रहे हैं ये वाला, ये देखो ये एक्स की डायरेक्शन इधर को है और ए की डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक्स और ए ये जो है हमारे पास कोलिनियर तो है बट दे आर नॉट इक्वल, इक्वल भी नहीं है। एट द सेम टाइम इसको भी बोल सकते हैं वाई डी, ये भी हमारे पास कोलिनियर है बल्कि पैरेलल भी है, बट इनकी मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तो ये इक्वल नहीं है, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से डिफरेंट कॉम्बिनेशन हमारे पास बन सकते हैं राइट। अगेन इफ इट इज क्लियर जस्ट शो मी योर हैंड्स अप, जल्दी से हाथों पकड़ के बताओ, अगर आप समझ में आ गया तो जस्ट रेज योर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड क्विकली इफ इट इज क्लियर नाउ। तो भाई और सेट भी हो जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स प्रोसीड अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी सिंपल सा दे रखा है राइट, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, ए एंड ए आर कोलिनियर, सर्टेनली दे आर कोलिनियर राइट, पैरेलल है तो कोलिनियर है, टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, नो फॉल्स राइट, दो जो मेरे पास कोलिनियर है उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा ये जरूरी नहीं है, उनका डायरेक्शन सेम होता है, ठीक है। जीरो वेक्टर इज यूनिक, नो इट इज नॉट यूनिक राइट, बिकॉज उसकी डायरेक्शन कैसे भी हो सकती है इसलिए वो यूनिक नहीं होता है, ओके। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, अगेन फॉल्स, आपको पता है मैग्नीट्यूड सेम होने से कोलिनियर नहीं होता है, डायरेक्शन सेम होने से कोलिनियर होता है। टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, दो कोलिनियर वेक्टर्स अगर हैं, दो कोलिनियर है मतलब डायरेक्शन सेम है, और अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम है तो उसी को इक्वल कहते हैं, एब्सोल्युटली ट्रू। बात समझ में आती है तो जल्दी से यस लिखो, अगर बात समझ में आती है तो जल्दी से यस लिखो, हमारे पास सिर्फ 3 मिनट रह गए हैं और मैं कम से कम एक और चीज पढ़ाने जा रहा हूँ इसलिए राइट। ओके दैट इज फाइन, दैट फाइन, थैंक यू, आइए आई विल मूव ऑन। पूरी एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो गई है राइट, कुछ भी नहीं बचा है, हम आगे बढ़ रहे हैं राइट। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, ध्यान से सुनना राइट, लास्ट वाले में डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ सही बात है, ठीक है। चलो देखो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, ये वाली बात भी मैंने तुम्हें अभी अभी बताई कि अगर तुम्हारे पास कोई भी वेक्टर है राइट, लेट से दिस इज वेक्टर ए, अगर मैं इसको बोलता हूँ कि बताओ 3a कितना होगा, तो 3a क्या होगा, इसी a के पैरेलल होगा और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 3 टाइम्स होगा राइट, 3 टाइम्स हो जाएगा राइट। अगर मैं बोलता हूँ कि बताओ 1/3 ऑफ ए, 1/3 ऑफ ए, तो ये बेचारा छोटा सा हो जाएगा राइट, लेकिन पैरेलल ही होगा राइट, 1/3 ऑफ ए, दिस विल बी, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1/3 हो जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ -2a,
माइनस ये, तो समझने की बात है कि ये अभी भी पैरेलल ही होगा लेकिन इसकी डायरेक्शन एग्जैक्टली रिवर्स हो जाएगी, राइट। माइनस टू ए थोड़ा सा और बड़ा कर लो, है ना, मैग्नीट्यूड अकॉर्डिंगली आप और एज पर दी इनिशियल मैग्नीट्यूड आप चेंज कर देंगे, ठीक है। तो जब भी मैं किसी भी स्केलर से, किसी भी स्केलर का मतलब क्या होता है, कोई भी रियल नंबर, इट कैन बी एनी रियल नंबर। यहाँ पे स्केलर का मतलब वो स्केलर क्वांटिटी नहीं है, यहाँ पे स्केलर का मतलब क्या है, एनी रियल नंबर, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, √2, √4, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनी रियल नंबर। यहाँ पे स्केलर का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे स्केलर का मतलब है कोई भी रियल नंबर। तो अगर तुम किसी भी वेक्टर को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, या फिर रादर से कहेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, स्केलर प्रोडक्ट इज डिफरेंट, अभी बात करेंगे उसकी हम लोग, ठीक है, विल टॉक इन टुमारोज क्लास। तो यहाँ पे पहले तो समझ में आ गया कि ये क्या होता है, ठीक है। अब जैसे ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, नाउ मैं तो आपसे काफी देर से कह रहा था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करती है तभी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तभी उसको हम लोग वेक्टर में क्लासिफाई करते हैं, राइट। फिजिक्स वाले बच्चे इस वाले इस तरह की चीज़ों को काफ़ी सॉल्व कर चुके होंगे कि अगर मैं एक फोर्स इस पर अप्लाई कर रहा हूँ, राइट, जो पॉइंट ऑफ फोर्स है, तो इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, राइट। अगर ये मेरे पास थीटा है तो आपको पता है इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, इफ दिस इज एफ एंड द थीटा, देन यू हैव एफ कॉस थीटा एंड यू हैव एफ साइन थीटा, राइट। जो भी फिजिक्स वाले बच्चे हैं वो ये बहुत यूजुअली यूज करते हैं, राइट, बहुत कॉमनली यूज है, राइट। जो आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ये सब बहुत फ्रिक्वेंटली आप इसको यूज करते हैं, बल्कि जो काइनेमेटिक्स है वहाँ पे भी आपको काफ़ी रेगुलरली यूज करते होंगे, ठीक है। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जो है जहाँ जहाँ पे फॉलो होता है वो सभी दे आर क्लासिफाइड एज वेक्टर्स। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आखिर होता क्या, उस बात को समझते हैं। सपोज करो मैंने ए बी एक ट्रायंगल लिया, मैं ए से बी पे गया, बी से सी पे गया और सी से ए पे गया। इसको मैं अपने डायरेक्शन में कैसे लिखूंगा कि ए बी जो है इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ये होगी, बी सी की कैपिटल, राइट, बी सी की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ये होगी और सी ए की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है। ये हमने रिप्रेजेंट किया और ये चीज़ किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो वेक्टर के इक्वल होना चाहिए। वाई, बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड हमने जहाँ से शुरू किया हम वहीं पर आ गए, राइट। तो इट इज इक्वल वॉट, इट इज जीरो वैक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन कह सकता हूँ बच्चों, ये जो ए बी है प्लस बी सी है दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी ए, राइट। और माइनस का आपको मतलब समझ में अब आता है क्या, ये जो माइनस है इसको मैं क्या कह सकता हूँ, आई कैन चेंज द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड विल रिमेन द सेम, आई कैन से इट एज ए सी, राइट। ये को मैं क्या कह सकता हूँ, ए सी। अदरवाइज तुम्हारे कॉमन सेंस से भी तुम्हें ये बात समझ में आती है कि अगर मैं ए से बी पे जाऊँ और बी से सी पे जाऊँ और जहाँ पे हम वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो इट इज़ लाइक गोइंग फ्रॉम ए टू सी स्ट्रेट अप, राइट, इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। तो इसीलिए ए बी प्लस बी सी इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, ए सी, ठीक है। ए बी प्लस बी सी इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। नोट कर लेना, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे तुम्हें देने जा रहा हूँ, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे देने जा रहा हूँ, ठीक है। ये क्या किया तुमने, तुमने दो वेक्टर्स को ऐड किया। सपोज करो ये जो ए है इसको मैं ओ कह लेता हूँ, ठीक है, ये जो बी है इसको मैं कैपिटल ए कह लेता हूँ और ये जो सी है इसको मैं कैपिटल बी कह लेता हूँ, ठीक है। तो ओ के रेफरेंस में जब मैं ए पे जाता हूँ तो इस वेक्टर को मैं स्मॉल ए का नाम देता हूँ, ठीक है। बी के रेफरेंस में जब मैं स्मॉल बी पे जाता हूँ तो इसका नाम मैं स्मॉल बी देता हूँ और इस ए बी की वैल्यू मुझे बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी। तो आपने अभी अभी ये चीज़ पढ़ी, क्या पढ़ी आपने बेटा, आपने ये पढ़ी कि ओ ए प्लस ए बी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज इक्वल टू ओ बी, इट्स वेरी इजिली अंडरस्टूड। सो आई नीड टू फाइंड व्हाट, आई नीड टू फाइंड, नाउ आप ये बात देखो, मैंने तुम्हें बताई थी पोजीशन वेक्टर, मैंने तुम्हें एक चीज बताई पोजीशन वेक्टर क्या था, द पोजीशन ऑफ अ वेक्टर इन रेफरेंस टू द इनिशियल पॉइंट। आई विल जस्ट टेक 2 मिनट्स चिल्ड्रन, आई नो सम ऑफ यू हैव क्लास एट 4 o'clock, आई विल जस्ट 4, 5 आई फिनिश इट अप, ठीक है। तो ए बी के लिए जो मैं वैल्यू बताऊंगा वो कितनी हो जाएगी बेटा, ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, एंड ओ बी इज व्हाट, ओ बी इज बी एंड ओ ए इज व्हाट, दैट इज इट। तो अगर मुझे ए बी का पोजीशन वेक्टर चाहिए तो ए बी का पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है।
तो इस तरीके से हम लोग ये पोजीशन वेक्टर भी देखते हैं, ठीक है। आई विल स्टॉप इट हियर, इसके आगे हम लोग कल की क्लास में करेंगे। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, काफ़ी कुछ और हमारे पास है करने को जो हम लोग कल की क्लास में करने जा रहे हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, राइट, एंड देन एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, एंड देन फाइनली दी सेकेंड एक्सरसाइज जो हम लोग करने जा रहे हैं। सो दैट इज वॉट वी विल बी फोकसिंग टुमारो। थैंक यू।